हाय स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8, एक्सरसाइज 2.4, क्लास 8, सीबीएसई हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ? हाफ ऑफ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब उस हर्ड में, उस ग्रुप ऑफ डियर में जितने भी डियर्स है उसके आधे जो है वो ग्रेजिंग कर रहे हैं। ओके, एंड 3/4 ऑफ द रिमेन, अगर अब ये तो आधे अगर ग्रेजिंग कर रहे हैं तो बचे भी आधे ही ना, बराबर। अगर मैं शुरुआत करता हूँ फाइंड द नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड, ऐसा हमारा क्वेश्चन है, अगर मैं शुरुआत करता हूँ लेट नंबर ऑफ डियर इन द हर्ड बी एक्स, लेट नंबर ऑफ डियर इन हर्ड बी एक्स, तो कितना ग्रेजिंग कितना कर रहे थे, एक्स बाय टू आर ग्रेजिंग, बराबर। तो एक्स बाय टू ग्रेजिंग कर रहे, तो आधे अगर ग्रेजिंग कर रहे हैं तो रिमेनिंग भी तो आधे ही हुए ना, तो रिमेनिंग डियर भी हो गए एक्स बाय टू। अब आगे की कंडीशन क्या है, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, तो प्लेइंग डियर कितने हुए फिर जो खेल रहे, ऐसे कितने डियर है, 3/4 ऑफ द रिमेनिंग, तो प्लेइंग डियर की संख्या कैसे मिलेगी, 3/4 ऑफ एक्स बाय टू, मतलब इसको अगर मैं इंटू कर दूं ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे तो 3x/8 इतने खेल रहे। रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पॉन्ड, बचे हुए 9 जो है बस इतने ही बचे हैं, अभी 9 बचे थे, तो 9 आर ड्रिंकिंग वाटर, चलो ठीक है। तो अब निकालना है कुल मिला के कितने लोग थे, कितने डियर थे, तो सिंपल एकदम बाय गिवन कंडीशन अगर मैं सारे डियर को ऐड कर दूं, चरने वाले कितने थे x बाय टू, उसके बाद जो बचे थे उसके 3/4 मतलब 3x/8 ये क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, 9 पानी पी रहे थे, सब जोड़ दिए, खेलने वाले जोड़ दिए, पानी पीने वाले जोड़ दिए, ग्रेजिंग करने वाले जोड़ दिए, तीन ही टाइप के तो डियर थे, सब मिला के कितने डियर है टोटल, हमने बोला था लेट द हर्ड कंटेंस एक्स डियर्स, बस हो गया, इसको सॉल्व करना है, क्वेश्चन खत्म। अब हमने जो 2.1, 2.3, 2.5 जो मैंने आपको करके दिया है उसमें मैंने एक बहुत आसान मेथड बताई थी सादे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, तो वही मैं एक बार आपको बता रहा हूँ। या हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह तो हमको सबको पता ही है कैसे करना है, या एलसीएम मेथड से डिनोमेटर को सेम करना वगैरह वगैरह है ना, तो लेकिन उससे बहुत ही आसान पड़ती है, हमको क्या करना है, एलसीएम तो वैसे भी निकालती है डिनोमेटर सेम करने के लिए, बराबर। क्या आएगा एलसीएम 2 और 8 का, 8 आएगा, 2 के टेबल में ही 8 आता है, मतलब एलसीएम तो 8 ही आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमेटर सेम नहीं करते बैठेंगे, फालतू डिनोमेटर का झंझट ही नहीं रखते, मल्टीप्लाई बाय 8 कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई बाय 8, एक्स बाय 2 इंटू 8 प्लस 3x/8 इंटू 8, देखिए बहुत आसान लगेगा आपको ये मेथड, प्लस 9 इंटू 8 इज इक्वल टू एक्स इंटू 8, क्या किया, सबको इंटू 8 कर दिया, बराबर। अब क्या हुआ, ये 8 यहाँ कट गया, यहाँ आया 2 1 2, 2 4 8, देखो डिनोमिनेटर ही गायब हो गया एक स्टेप में। अब ये हुआ 4 × x इज 4x प्लस ये 3x प्लस ये 9 × 8 = 72 और इज इक्वल टू 8 × x इज 8x, सिंपल क्वेश्चन। ये 8x, ये 4x प्लस 3x 7x, यहाँ पे आके मैंने माइनस कर दिया, यहाँ 72 ऐसे ही बचा है, आ गया हमारा देखो आंसर, न कुछ भी नहीं करना पड़ा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, फिर वो एलसीएम लेके फिर डिनोमीटर सेम करो, इधर उधर लेके जाओ, डिनोमीटर हटा ही दो क्वेश्चन से, सीधा सीधा सिंपल काम करो ना, क्यों ज़्यादा मुश्किल वाला काम करते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन, ये मेथड मैंने आप लोगों को जहाँ पे 2.1, 2.3, 2.5 समझा के दिया है वहाँ पे डिटेल में मैंने इस मेथड से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करके दिए, तो वो वीडियो अगर आप देखोगे तो आपको ये मेथड क्लियर अच्छे से बहुत समझ में आ जाएगी। तो अभी हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म, तो कितने डियर थे फिर, देयरफॉर डियर्स डियर इन हर्ड वेयर कितने थे, डियर इन हर्ड वेयर 72, तो हो गया आंसर स्टूडेंट्स। तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते, ये हमारा अगला क्वेश्चन 2.4 का क्वेश्चन 9। अ ग्रैंडफादर इज 10 times ओल्डर देन इज ग्रैंड डॉटर, मैंने इसके पहले के एक वीडियो में बताया था कि एक्स किसको लेना है, दोनों में से किसको भी ले सकते हैं। अगर मैं ग्रैंडफादर को एक्स लेता हूँ तो जो ग्रैंड डॉटर है उसका एज 10 times कम है, तो मुझे एक्स बाय 10 लेना पड़ेगा, फ्रैक्शन में आएगा फिर झंझट होगी। इसलिए अगर फ्रैक्शन वैक्शन में नहीं करना है तो सिंपल मैंने फंडा बताया था कि टाइम्स के बाद जिसका नाम आया ना उसको एक्स लो, 10 times के बाद किसका नाम आया, ग्रैंड डॉटर का आया ना, तो शुरुआत करो लेट ग्रैंड डॉटर्स एज बी एक्स। चलो तो मैं शुरुआत करता हूँ लेट ग्रैंड डॉटर्स एज बी एक्स, तो फिर ग्रैंड फादर का एज क्या होगा, ग्रैंड फादर्स एज हमारा हो जाएगा 10 times, 10x हो गया।
अब और क्या दिया है, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्डर देन हर, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो एक कंडीशन दूसरी वाली जो है वो बहुत आसान दी है कि ग्रैंड फादर जो है वो ग्रैंड डॉटर से कितने बड़े हैं, 54। तो अगर मैं ग्रैंड डॉटर में से ग्रैंड फादर के एज में से ग्रैंड डॉटर का एज माइनस कर दूँ तो 54 आएगा, क्योंकि 54 ईयर्स बड़े हैं। सिंपल, 10x माइनस 1x इज 9x, 9x इक्वल टू 54, x इक्वल टू 54 बाय 9x इक्वल टू आ गया 6। हो गया क्वेश्चन खत्म। ग्रैंड फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, दोनों के एज हमको निकालने हैं। तो x किसका एज था लिया हुआ हमने, ग्रैंड डॉटर का। तो हमारा आंसर आ गया ग्रैंड डॉटर्स प्रेजेंट एज इज, एकदम आसान क्वेश्चन था स्टूडेंट्स मेरे ख्याल से, 6 ईयर। और ग्रैंड फादर का जो एज था वो तो उनके 10 गुना थे ना, तो 10 इंटू 6 करना है, 16 मत लिखना, 10 और 6 जोड़ के, हाँ नहीं तो 10, 6 साल की लड़की और उसके ग्रैंड फादर हो जाएंगे 16 साल के, ऐसा नहीं होता है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो बहुत आसान क्वेश्चन स्टूडेंट्स। अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, 2.4 का लास्ट एक क्वेश्चन। अमन्स एज इज थ्री टाइम्स के बाद किसका नाम आया है, सन्स एज आया है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, सन के एज से क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। मैं बोलूँगा सन का एज एक्स, यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया प्रेजेंट एज। क्यों ऐसे किया, क्योंकि फिर 10 साल पुरानी भी बात उन्होंने बोली हुई है तो उस वक्त का एज अलग से निकालना पड़ेगा, है ना। तो मैंने यहाँ लिख दिया प्रेजेंट एज। तो अब मैं लिखता हूँ लेट सन्स एज, सन के एज को मैं ले लेता हूँ एक्स। कौन सा एज है सन का, अभी वाला, प्रेजेंट, है ना, पहले ही मैंने ले दिया है। लेट सन्स एज बी एक्स ईयर्स, सन का एज अगर मैं एक्स लेता हूँ, सन मतलब सूरज नहीं है, सन मतलब लड़का। तो लेट सन्स एज बी एक्स ईयर्स। अब अमन्स एज कितना है, उसके थ्री टाइम्स है, तो इसका मतलब अमन का जो एज होगा वो होगा 3x, बराबर। अब 10 ईयर्स एगो की उन्होंने बात की, तो अब 10 साल पीछे जाना पड़ेगा। 10 ईयर्स एगो में दोनों के एज कितने होंगे, सन का एज अभी कितना है एक्स है, तो एक्स माइनस 10 होगा 10 साल पहले, बराबर। और अमन का एज अभी कितना है, अमन का है 3x, उसका भी 10 साल पहले 3x माइनस 10 होगा। तो दोनों के एज हमको मिल गए 10 साल पुराने। अब ये एज का क्या रिलेशन दिया है, 10 ईयर्स एगो ही वॉज 5 times हिज सन्स एज। तो हमको ऐसी कंडीशन दिया है कि 10 साल पहले क्या कहानी थी, उसका जो एज था उसके सन के एज के 5 times था। तो अमन का एज है 3x माइनस 10, ये जो एज है ये सन के एज के 5 times है। अब बहुत बार बच्चे गलती से कहाँ इंटू करे 5, ये नहीं समझ में आता भाई, इधर करना है इधर करना है, अमन को इंटू करे कि लड़के को इंटू करे, थोड़ा सा लॉजिक लगाएंगे तो एकदम आसानी से समझ जाएगा। अगर बाप के एज को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चे का एज कहाँ से मिलेगा, बराबर। अगर बच्चे के एज को इंटू 5 करोगे तो पिताजी का एज मिल सकता है। और फिर भी कन्फ्यूजन होता है, सिंपल ध्यान दो, टाइम्स के बाद किसका नाम है, 5 times का कौन है, सन है, तो सन को इंटू कर दो ना, सिंपल हो गया, कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सॉल्व कर लेंगे, खत्म क्वेश्चन। सो 5 into x इज 5x, 5 tens are 50, ये हुआ 3 into x minus 10, ये 3x को एक तरफ ले लेता हूँ तो ये हुआ 5x minus 3x, ये है माइनस 10 वैसे ही रहेगा, ये 10 नहीं करना है गलती से इसको हमको, और ये माइनस 50 हो गया प्लस 50, तो ये हुआ 40 is equal to 2x, तो x की वैल्यू मिल गई हमारी 20। तो x क्या लिया था हमने, एक बार x आ जाए तो हमेशा देखना x हमने कहाँ लिया था, तो बस प्रेजेंट एज दोनों के लिख लेते हैं। प्रेजेंट एज सन का x लिया था ना हमने, सो देयरफॉर सन्स प्रेजेंट एज हो गया, सन्स प्रेजेंट एज इक्वल टू x इक्वल टू 20 years, और अमन जो है उनका एज जो था उनके 3 times था, बराबर। तो 3 into 20, तो अमन जो है वो 60 साल के। तो स्टूडेंट्स यहाँ हमारा पूरा एक्सरसाइज 2.4 खत्म हो गया। आखिरी के 3 questions अभी हम लोगों ने इस वीडियो में किए हैं। इसके पहले के वीडियो में मैंने सारे के सारे क्वेश्चंस एक्सप्लेन करके दिए हैं, 2-3 वीडियो में तीन चार करके एक्सप्लेन करके दिए हुए। 2-digit number वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हसन वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा लंबा है, उसको आपको अच्छे से एक बार पढ़ाई करना है। 2-digit number वाले जो क्वेश्चन हमने किए, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक ना एक क्वेश्चन आपको ज़रूर एग्जाम में आ सकता है।
अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपको दूसरा कोई क्वेश्चन अगर मुझसे समझा के लेना है, कोई दूसरे चैप्टर का या कोई दूसरी किताब का, तो ज़रूर मुझे कॉमेंट बॉक्स में जाके बताइए, मैं जल्दी से जल्दी वो क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करके देने की कोशिश करूँगा। तो स्टूडेंट्स, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन आपको आना चाहिए, इसलिए आप ज़रूर बेल आइकॉन दबाइए ताकि जैसे मैं नया वीडियो रिलीज़ करूँ तो आपको तुरंत ही पता चले कि नया वीडियो पब्लिश किया है, तो आप आपकी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।